Hello everyone, welcome to SSC Insight. My name is Neetu and today we are going to discuss a series of GK-GS question and it will be a series of more than 1000 question. आज हम लोग static GK को discuss करने वाले हैं. Static GK का जो portion होता है वो बहुत important होता है SSC, CHSL, CGL and MTS exam के लिए. The series I am going to discuss will be helpful for SSC, CHSL, MTS exam or any one day exam in which the syllabus of GS is covered. These questions are taken from Smart Question Bank 4000 which is from textbook. इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में गिवन है. अब तक तो आपको इसके इंपॉर्टेंस पता चल गया है, इसमें पता चल गया होगा. इसमें टाइम टू आंसर गिवन है, इसमें स्मार्ट आंसर की गिवन है, सॉल्यूशन भी गिवन है और एनालिसिस भी गिवन है. ओके, सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट्स स्टार्ट द क्लास. आप अपना कॉपी पेन लेके बैठ जाइए, अपने आंसर्स जो है क्वेश्चंस जो है वो भी देखिए और इसके अलावा जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होते हैं उसको नोट डाउन करते जाइए. ओके, एंड बी रेगुलर विद द क्लास. एक भी क्लास को स्किप मत कीजिए. हमने ऑलरेडी एंशियन, मिडाइवल और मॉडर्न हिस्ट्री को कवर कर लिया है तो आप जो है उसको प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड. फर्स्ट क्वेश्चन, बैसाखी यूपी, गुड़ी पाड़वा महाराष्ट्र, दुर्गा पूजा वेस्ट बंगाल, छठ पूजा बिहार. सो वी कैन सी जो बैसाखी होता है वो आपका पंजाब और हरियाणा में सेलिब्रेट होता है. कहाँ पे होता है? पंजाब और हरियाणा में. गुड़ी पाड़वा महाराष्ट्र में, ये बिल्कुल सही है. छठ पूजा बिहार में होता है, दुर्गा पूजा वेस्ट बंगाल में होता है. तो आपका आंसर क्या हो जाने वाला है? ऑप्शन ए बैसाखी यूपी, ये कि सही ढंग से मेल नहीं खाता है. ओके, बैसाखी पंजाब हरियाणा में किया जाता है. चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में. व्हाट इज पारसी न्यू ईयर नोन एज. पारसी का जो न्यू ईयर होता है उसको किस नाम से जाना जाता है? उगाड़ी, उगाड़ी की बात करते हैं अगर तो उगाड़ी जो होता है वो कर्नाटका में न्यू ईयर होता है. कर्नाटका में न्यू ईयर को उगाड़ी बोलते हैं. ठीक है, नवरोज, नवरोज जो होता है वो पारसीज का, जो पर्शियन होता है या ईरानियन होते हैं, इनके न्यू ईयर होते हैं. सेलिब्रेटेड बाय जुरासियन कम्युनिटी. जुरासियन कम्युनिटी जो है इनके द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है. सो आपका आंसर क्या हो जाने वाला है कि पारसी का न्यू ईयर कौन सा होता है? तो ये होता है नवरोज. ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में. विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर करेक्टली रिप्रेजेंट टू द स्टेट एंड कॉरस्पॉन्डिंग आर्ट फॉर्म एसोसिएटेड विथ इट. इसमें से कौन सी जोड़ी सही ढंग से एक राज्य और उसके संबंध को दर्शाती है? असम, इसके साथ कथकली, नहीं ये गलत है. तमिलनाडु ओडिसी, बिल्कुल गलत है. पंजाब मोहिनीअट्टम, बिल्कुल गलत है. उत्तर प्रदेश कथक, ये बिल्कुल सही है. सो ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर. ओके, बेसिकली क्या करना है आपको, आपको देखना है, आपको सारे क्लासिकल डांस, ये जो 8 क्लासिकल डांस है ये आपको पता होना चाहिए. ठीक है, अगर मैं बात करूँ असम की तो असम का जो क्लासिकल डांस है वो है सतारिया. ठीक है, अब कथकली किसका है? कथकली है केरला का. तमिलनाडु का बात करूँ तो भरतनाट्यम. उड़ीसी किसका है? उड़ीसा का. मोहिनीअट्टम इज इन केरला. पंजाब से कोई क्लासिकल डांस नहीं है. सो आप मुझे कमेंट डाउन करेंगे सारे जितने भी 8 क्लासिकल डांस है उसके बारे में, उसको कमेंट डाउन करेंगे. चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में. द चार मीनार इज इन. चार मीनार जो है वो कहां पे है? चार मीनार अहमदाबाद में है, नहीं. फतेहपुर सिकरी, ये अकबर ने गुजरात की विक्ट्री पे ये फतेहपुर सिकरी में बुलंद दरवाजा बनवाया था. तो यहाँ पे भी नहीं है, अहमदनगर में भी नहीं है, हैदराबाद में. सो चार मीनार जो है वो बेसिकली कहां पे है? हैदराबाद में है. कहां पे है? हैदराबाद में. इसको किसने बनवाया था? इसको कुली कुतुब शाह ने बनवाया था. कुली कुतुब शाह ने बनाया था. ये कौन सी रिवर के किनारे पे है? मूशी रिवर के किनारे है. और कहाँ पे है? हैदराबाद तेलंगाना में. 1591 में कुली कुतुब शाह ने इसको बिल्ड कराया था. चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में. कुंभ मेला इज नॉट हेल्ड एट. कुंभ मेला कहाँ पे नहीं होता है? कुंभ मेला देखा जाए तो हर 12 साल में, एवरी 12 ईयर्स में होता है. कहाँ पे होता है? हरिद्वार में होता है, उज्जैन में होता है, इलाहाबाद यानी प्रयागराज में होता है. ठीक है, और कहाँ होता है? नासिक में होता है. तो यहाँ पे आपका नासिक ऑप्शन में नहीं है. हरिद्वार है, उज्जैन है, इलाहाबाद या प्रयागराज है और नासिक है एक आपका, लेकिन पुरी में नहीं होता है. ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाने वाला है? पुरी. सो बेसिकली अगर मैं बात करूँ हरिद्वार, तो हरिद्वार जो है वो गंगा नदी के किनारे है. ओके, उज्जैन जो है वो क्षिप्रा नदी जो है उसके किनारे है. इलाहाबाद जो है वो संगम के किनारे है और जो नासिक है वो गोदावरी नदी के किनारे है. देखा जाए तो कुंभ मेला हर 12 साल में होता है, लेकिन एक एक प्लेस की बात करें, हर एक प्लेस की बात करें तो 12 साल में होता है, लेकिन ऐसे ऑल्टरनेटिव थर्ड ईयर में हो जाता है. ठीक है, ये यूनेस्को में शामिल है, यूनेस्को के जो कल्चर है उसमें भी शामिल है. ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में. नेक्स्ट क्वेश्चन में जाने से पहले आपको एक बार रिमाइंड कर दूं कि हमने एक नया वेबसाइट लॉन्च किया है जिसका नाम है bookpicker.in. इस वेबसाइट में हर एक गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए आपको ऐसे बुक्स एनलिस्टेड मिल जाएगा. आपको ज़्यादातर बुक्स ढूंढने में प्रॉब्लम होता है कि कौन सी सब्जेक्ट के लिए कौन सा बुक आपको पढ़ना चाहिए, इसमें कन्फ्यूशन रहता है एस्पिरेंट्स को. सो दैट्स वाई हमने ऐसे एक वेबसाइट लॉन्च किया है जहाँ पर आपको
बुक ढूंढने में आसानी हो, ठीक है। आपका अपकमिंग CHSL एग्जाम आ रहा है, इसलिए CHSL स्पेशल ये बुक्स हमने एनलिस्ट किया है, यहाँ से आप देख सकते हैं शो मोड पे क्लिक करके। ऐसे करके सभी यहाँ पे सभी सब्जेक्ट वाइज भी यहाँ पे बुक एनलिस्टेड है, ठीक है। तो डू चेक इट आउट आवर न्यू वेबसाइट, द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट उगाड़ी कंसिडर्ड एज इम्पॉर्टेंट फॉर फेस्टिवल, इसका आंसर तो अब आप ही बता देंगे क्योंकि मैंने ऑलरेडी बता दिया है, ठीक है। चलिए आप कमेंट कीजिए, मैं अभी आपको आंसर बताती हूँ, ठीक है। सो बेसिकली उगाड़ी जो है वो कहाँ का न्यू ईयर माना जाता है, उगाड़ी माना जाता है न्यू ईयर कर्नाटका का। सो ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर, उगाड़ी न्यू ईयर, ठीक है। और क्या है आपका इसमें, नागालैंड, नागालैंड में हॉर्नबिल फेस्टिवल होता है। कौन सा फेस्टिवल होता है? हॉर्नबिल फेस्टिवल होता है, ओके। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट सेलिब्रेट हॉर्नबिल फेस्टिवल एवरी ईयर। अभी हॉर्नबिल फेस्टिवल को लेकर के रिसेंटली 2-3 महीने पहले न्यूज़ में बहुत सारी बात हुई थी, ठीक है, कि हॉर्नबिल फेस्टिवल एक्चुअली ये दिसंबर में सेलिब्रेट किया जाता है। और उस समय में क्या हुआ था कि अफ्सपा ने बहुत सारे जो टेररिस्ट को मारने के बजाय सिविलियंस को मार दिया था, तो ये जो है बहुत चर्चा में रहा था। तो करेंट इवेंट से जोड़ करके भी आपसे स्ट्रैटेजी के पूछा जा सकता है, ठीक है। तो हॉर्नबिल फेस्टिवल जो है वो कहाँ सेलिब्रेट किया जाता है? नागालैंड में, ठीक है। आसाम के लिए आसाम का जो है वो बिहू डांस या बिहू फेस्टिवल जो है वो फेमस है। मणिपुर का लोक नृत्य जो है वो मणिपुरी फेमस है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। हॉर्नबिल फेस्टिवल जो है वो स्टार्ट हुआ था 2000 में। कब हुआ था स्टार्ट? 2000 में स्टार्ट हुआ था। ये इसलिए स्टार्ट किया गया था टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, विच ऑफ दीज स्कूल्स ऑफ पेंटिंग इज नेम्ड आफ्टर डिस्ट्रिक्ट इन बिहार। इनमें से कौन सी पेंटिंग है जो बिहार के एक जिले के नाम पर हुआ था? बिहार में एक्चुअली एक मिथिला रीजन है, उस मिथिला रीजन में मिथिला आर्ट परफॉर्म किया जाता है और उस मिथिला आर्ट को नाम दिया गया है मधुबनी। क्या नाम दिया गया है? मधुबनी। बेसिकली मधुबनी जो है सूर्य का या चंद्रमा का डिजाइन बना हुआ होता है, या बेसिकली इंडियन के जो रिचुअल्स होते हैं, वेडिंग सेरेमनी, इन सब की पेंटिंग बनी हुई होती है और ये बहुत ही अट्रैक्टिव पेंटिंग होती है। इट इज बेस्ड ऑन मधुबनी डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार और उसी का नाम है मधुबनी पेंटिंग। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, वेयर इज इंडियाज नेशनल वॉर मेमोरियल लोकेटेड। इंडिया का जो नेशनल वॉर मेमोरियल है वो कहां पे लोकेटेड है? अभी रिसेंटली न्यू दिल्ली में पीएम मोदी ने नेशनल वॉर मेमोरियल को इनॉग्रेट किया था। और ये कहाँ पे है? इंडिया गेट में है। कहाँ पे लोकेटेड है? इंडिया गेट में। और हम सबको पता है कि इंडिया गेट कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में लोकेटेड है, ओके। सो ये नेगेट में है और ये बेसिकली उन सोल्जर्स को ऑनर करने के लिए किया गया था जो इंडिपेंडेंस के बाद कंट्री को डिफेंड करने में, बचाने में जो शहीद हो गए थे, ठीक है। इसमें चार सर्कल होते हैं, चार सर्कल में होता है फर्स्ट अमर, फिर वीरता और त्याग और रक्षक। अमर, वीरता, त्याग, रक्षक, ये चार सर्कल्स उसमें होते हैं और इसमें परम योद्धा स्थल भी है, ठीक है। सो इंडियन नेशनल वॉर मेमोरियल, इसमें अगर क्वेश्चन आता है कि किसने इनोग्रेट किया है, तो मोदी ने इनोग्रेट किया है। कहाँ पे है? इंडिया गेट पे, यानी न्यू दिल्ली पे, ओके। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर बैंक्स द विक्टोरिया मेमोरियल इज लोकेटेड। विक्टोरिया मेमोरियल कहाँ पे है? आप देख सकते हैं कि इसमें 40% लोगों ने सही किया, 41% ने स्किप कर दिया और जो 20% रेस्ट रह गए उन सबका रॉन्ग हो गया, ठीक है। सो विक्टोरिया मेमोरियल हम सबको पता है कि कोलकाता में वेस्ट बंगाल पे है, लेकिन ये नहीं पूछा गया है, यहाँ पे प्लेस नहीं पूछा गया है, रिवर पूछा गया है, ठीक है। कौन से रिवर में है? सो हुगली में है, या यमुना में है, या वैगई में है, या फिर मूसी में है। तो अगर मैं बात करूं कि विक्टोरिया मेमोरियल कहाँ पे है, तो विक्टोरिया मेमोरियल जो है वो हुगली रिवर पे है, ठीक है। हुगली रिवर पे, यानी कि कोलकाता वेस्ट बंगाल पे आपका ये विक्टोरिया मेमोरियल है। ये डेडिकेटेड है क्वीन विक्टोरिया की, जो विक्टोरिया आप देख रहे हैं ये क्वीन का नाम है, क्वीन विक्टोरिया को डिवोटेड है, ठीक है। क्वीन विक्टोरिया को डिवोटेड है और ये जो विक्टोरिया मेमोरियल है इसको डिज़ाइन किया था विलियम इमर्सन ने। किसने? विलियम इमर्सन ने आर्किटेक्ट किया था और इसमें मकराना मार्बल, वाइट मार्बल, वाइट मकराना मार्बल का यूज़ किया गया, ठीक है। सो अगर मैं बात करूँ कि कौन सी नदी पे है, तो हुगली रिवर पे आपका क्या हो जाएगा? विक्टोरिया मेमोरियल, ठीक है। अगर मैं यमुना में, यमुना की भी बात करूँ, तो यमुना नदी के पास ताजमहल है, ठीक है। मुशी नदी की बात करूँ तो मुशी नदी चार मीनार तेलंगाना, ठीक है। और वैगई नदी पे मीनाक्षी टेम्पल है। कौन सी टेम्पल है? मीनाक्षी टेम्पल। सो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, द गांधार स्कूल वो आर्ट वॉज डेवलप्ड अंडर डैश डायनेस्टी। गांधार स्कूल ऑफ आर्ट जो है वो कौन सी डायनेस्टी के अंडर में डेवलप किया गया था? अगर मैं बात करती हूँ कुषाण डायनेस्टी, ठीक है। सो कुषाण डायनेस्टी है, मौर्य डायनेस्टी है, नंदा डायनेस्टी है और है आपका चोला डायनेस्टी। और पूछा क्या गया है? गांधार स्कूल ऑफ आर्ट के बारे में, ठीक है।
सो गांधार स्कूल ऑफ आर्ट जो है ये हुआ था गांधार रीजन में हुआ था, ठीक है। और जो स्टाइल था वो था ग्रेको रोमन स्टाइल ऑफ आर्ट, ठीक है, जिसको ग्रेको बुद्धिस्ट स्कूल ऑफ आर्ट भी बोला जाता है। और इसको जो बनवाया था वो इसके कुषाण के अंदर में बना था, कुषाण डायनेस्टी जो है उसके अंदर में ये बना था, ठीक है। और इसमें ग्रे स्टोन का यूज़ किया गया था, कैसा था, धूमैले बलुआ पत्थर ग्रे स्टोन का यूज किया गया था इस गांधार स्कूल ऑफ आर्ट में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, द राग ऑफ मियां मल्हार वॉज क्रिएटेड बाय, मियां मल्हार राग जो है वो किसने किया था स्टार्ट, तानसेन ने किया था, मीराबाई ने किया था, पंडित जसराज ने किया था, या फिर अमीर खुसरो ने किया था। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट मियां मल्हार राग देन इट इज क्रिएटेड बाय, इट इज बिल्ट बाय तानसेन, किसके द्वारा किया गया था, तानसेन, ठीक है। तानसेन ने राग मियां मल्हार का बेसिकली क्रिएशन किया था मॉनसून का स्वागत करने के लिए, ठीक है, बारिश को आमंत्रित करने के लिए, जब बहुत ज़्यादा सूखा अकाल पड़ जाता था तब बारिश को बुलाने के लिए, आमंत्रित करने के लिए मियां मल्हार को बुलाया जाता था धरती को भिगोने के लिए, ठीक है। सो मियां तानसेन है वो आपके एमपी में बॉर्न हुए थे, जितने भी आपके जो ये सब है ना तानसेन वगैरह ये सब एमपी में ही बॉर्न हुए, यानी कि ग्वालियर में। ये इन्होंने हिंदू फैमिली में जन्म लिया और भक्ति रचना में अपना समय बिताया, ठीक है। 60 साल ईयर के एज में इन्होंने अकबर का कोर्ट ज्वाइन किया और अकबर ने इनको नवरत्न में शामिल किया, इनके जो 9 जेम्स अकबर के इसमें किसको, तानसेन को शामिल किया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, द पॉपुलर फोक डांस ऑफ महाराष्ट्र इज नोन एज, फोक डांस ऑफ महाराष्ट्र कौन सा है ये आपको बताना है, ठीक है। डांडिया, ठुमरी, दादरा और तमाशा, ये जो डांडिया आप देख रहे हैं, डांडिया किसका है, गुजरात का है, ठीक है। ठुमरी क्या है, नॉर्थ इंडिया का है, यूपी का। दादरा भी जो है वो यूपी का है, स्पेशली लखनऊ का। तमाशा जो है वो महाराष्ट्र का है। और महाराष्ट्र का कौन सा है, एक तो लावणी है, लावणी आपने देखा होगा, जेनेलिया देशमुख जो है वो बहुत अच्छा लावणी जानती है क्योंकि वो महाराष्ट्रियन है, ठीक है, तो उनको आता है, तो लावणी भी आपका महाराष्ट्रियन का है, ठीक है। डंगरी भी है, ये सारे फोक डांसेस है, तो आपका आंसर क्या हो जाने वाला है, तमाशा, जो कि महाराष्ट्र का लोक नृत्य है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, द वर्ल्ड फेमस खजुराहो टेम्पल ऑफ मध्य प्रदेश वॉज बिल्ट बाय, जो खजुराहो टेम्पल जो है वो किसके द्वारा बनाया गया था, ठीक है। चंदेल डायनेस्टी की अगर मैं बात करती हूँ तो चंदेल डायनेस्टी ने खजुराहो टेम्पल एमपी में बनवाया था, ठीक है, और ये अपने आर्ट और आर्किटेक्चर के लिए ही जाने जाते हैं। चोला वंश की बात करूँ तो इसमें राजा चोला जो थे इन्होंने क्या बनवाया था, बृहदेश्वर टेम्पल बनवाया था, ठीक है। चेरा डायनेस्टी ने सदर्न इंडिया पर राज किया था, और पांड्य वंश जो है ये भी मोतियों के सप्लाई, पर्ल के सप्लाई के लिए जानते हैं, जाना जाते हैं। सो यहाँ पे आपका खजुराहो टेम्पल के बारे में पूछा गया, तो खजुराहो टेम्पल वॉज बिल्ट बाय चंदेला डायनेस्टी, ओके। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, मयूरभंज छऊ इज अ फोक डांस ऑफ, मयूरभंज छऊ जो है वो फोक डांस है कहाँ का, उड़ीसा का, राजस्थान का, महाराष्ट्र का या फिर कर्नाटका का। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट उड़ीसा, तो उड़ीसा में ही यही मयूरभंज छऊ जो है होता है, उड़ीसा में छऊ होता है, ठीक है। और कहाँ पे होता है छऊ जो होता है, और होता है आपका झारखंड में होता है, ठीक है, वेस्ट बंगाल में होता है। राजस्थान की बात करूँ तो इसमें घूमर होता है, ठीक है। महाराष्ट्र की बात करूँ तो लावणी हो गया, तमाशा हो गया। कर्नाटका की बात करूँ तो इसमें यक्षगान, यक्षगान जो है वो बहुत फेमस है। सो यहाँ पे आपका मयूरभंज छऊ पूछा गया, तो आंसर हो जाएगा आपका उड़ीसा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, विच इज द मोस्ट डिस्ट्रक्टिव वेपन अवेलेबल अकॉर्डिंग टू गांधीज्म, गांधीज्म के अकॉर्डिंग मोस्ट डिस्ट्रक्टिव वेपन जो है, विनाशकारी अस्त्र कौन सा उपलब्ध है, नाभिकीय, सत्याग्रह, खादी, धर्म। अब देखिए यहाँ पे गांधी के अनुसार पूछा गया है, ऐसे तो विनाशकारी कुछ भी हो सकता है, नाभिकीय हो सकता है, लेकिन गांधीवाद के अनुसार पूछा गया है, तो गांधी के अनुसार दो ही चीज़ें उनके लिए सबसे बड़ी बात थी, एक था उनका सत्य और दूसरा था अहिंसा, ठीक है। तो यहाँ पे उनका जो सबसे बड़ा विनाशकारी हो जाएगा, सत्याग्रह के लिए सपोर्ट करना या फाइट करना, ठीक है, सत्य के लिए फाइट करना, ठीक है, और अहिंसा की बातें करना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, मुगल मिनिएचर पेंटिंग रीच्ड इट्स पीक, मुगल मिनिएचर पेंटिंग जो थी वो इसके टाइम पे पीक पे पहुंची थी, जहांगीर के टाइम पे, औरंगजेब के टाइम पे, शाहजहां के टाइम में या फिर अकबर के टाइम में। मिनिएचर पेंटिंग का मतलब होता है लघु चित्रकला, मतलब छोटे छोटे आकार के चित्र बनाए जाते थे। किस पे बनाए जाते थे, या तो क्लोथ पे बनाया जाता था, या तो छोटे छोटे पेपर पे बनाए जाते थे, या फिर ताड़ का जो पत्ता होता है उस पे बनाए जाते थे, जो लीव्स होते हैं ताड़ के पत्ते उस पे बनाया जाता है, ठीक है। ऐसे तो देखा जाए कि चित्रकला को अकबर ने भी सपोर्ट किया, जहांगीर ने भी बहुत सपोर्ट किया, और शाहजहां ने भी बहुत कुछ बनवाया आर्किटेक्चर के नाम पे, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर मिनिएचर पेंटिंग की बात करें कि सबसे पीक पे किस में था, तो वो जहांगीर के टाइम पे था। सो ऑप्शन विल बी, ऑप्शन ए विल बी योर आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, द सोराई खोवार पेंटिंग रिसेंटली गॉट जीआई टैग हेल्स फ्रॉम व्हिच स्टेट, ये जो सोहराई खोवार पेंटिंग है इनको जीआई टैग मिला है, ठीक है। ये जीआई टैग कहां से मिला है इनको, ये मिला है इनको हजारीबाग झारखंड, ठीक है। कैसे बताती हूँ, ये जो सोहराई खोवार पेंटिंग है ये बेसिकली जो है ये क्या कहते हैं उसको,
जीआई टैग मिला इनको, क्योंकि यहाँ पे हजारीबाग के लोग जो ट्राइबल वुमेन्स हैं वो सबसे ज़्यादा ये पेंटिंग को परफॉर्म करती हैं, ठीक है। और ये बेसिकली इनको कलर्स, लोकल कलर्स और लोकल सॉइल्स का यूज़ करती हुई, और हजारीबाग इज इन झारखंड, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इन विच ऑफ द फॉलोइंग एरियाज ऑफ राजस्थान गुलाबी गणगौर सेलिब्रेटेड एज चैत्र शुक्ल पंचमी, ठीक है। गुलाबी गणगौर फेस्टिवल जो है चैत्र शुक्ल पंचमी की तरह कहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है, राजस्थान में किया जाता है, कहाँ पे, नाथद्वारा में। कहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है, नाथद्वारा में। नाथद्वारा में ये गुलाबी गणगौर फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ऑल द फेस्टिवल लिस्टेड बिलो आर फेस्टिवल ऑफ असम, ऑफ दिस विच ऑफ द फॉलोइंग फेस्टिवल इज स्पेसिफिकली होस्टेड इन द कामाख्या देवी टेम्पल। इसमें बेसिकली ये पूछा जा रहा है कि वैसे तो इसमें जितने भी लिस्टेड फेस्टिवल है वो सारे असम में ये किए जाते हैं, मनाए जाते हैं, लेकिन कामाख्या देवी टेम्पल जो कि बहुत फेमस है गुवाहाटी में, उसमें कौन सा फेस्टिवल मनाया जाता है, ठीक है। सो यहाँ पे एक क्वेश्चन तो आपको वैसे ही मिल जा रहा है कि कामाख्या देवी का टेम्पल कहाँ पे है, तो ये गुवाहाटी असम में है। ये आपका क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट अंबुबाची फेस्टिवल, तो अंबुबाची फेस्टिवल जो है वो कामाख्या टेम्पल गुवाहाटी में मनाया जाता है, और ये गॉडेस कामाख्या को डिवोटेड है, ठीक है। बिहू फेस्टिवल जो है वो बेसिकली क्या है, इसमें ट्रेडिशनल डांस बिहू किया जाता है, ओके। और नेक्स्ट है आपका माजुली फेस्टिवल। माजुली फेस्टिवल क्या है, लार्जेस्ट रिवर आइलैंड है माजुली आइलैंड, ठीक है। इसी माजुली आइलैंड में माजुली फेस्टिवल मनाया जाता है। नेक्स्ट है आपका बैसागू। बैसागू फेस्टिवल जो है वो बोडो ट्राइब है आपके असम में, उन लोगों ने सेलिब्रेट करना होता है ये बैसागू फेस्टिवल। सो यहाँ पे पूछा गया है कि कामाख्या देवी टेम्पल में कौन सा सेलिब्रेट किया जाता है, तो वो है अंबुबाची फेस्टिवल। तो अंबुबाची फेस्टिवल इन गुवाहाटी असम, बट इन कामाख्या टेम्पल ओनली। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इन मेमोरी ऑफ होम इज द माधवपुर मेला ऑफ गुजरात सेलिब्रेटेड। सो बेसिकली अगर मैं बात करूँ कि माधवपुर मेला गुजरात, गुजरात तो वैसे भी कान्हा जी के नाम से ही फेमस है, गुजरात में श्री कृष्ण जी की पूजा होती है, सो कृष्ण जी तो रहेंगे ही। तो बेसिकली माधवपुर मेला जो है वो लॉर्ड कृष्णा और रुक्मणी को डिवोट होता है, सो ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर, भगवान श्री कृष्ण और रुक्मणी को डिवोट होता है। ये बेसिकली फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल में सेलिब्रेट होता है, और इसमें एक तो ये गुजरात है वेस्टर्न रीजन में, लेकिन इसमें 8 स्टेट ऑफ जो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है वो भी बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट करते हैं। स्पेशली इसमें अरुणाचल प्रदेश का मिसमी ट्राइब है, मिसमी ट्राइब है जो कि इसमें अरुणाचल प्रदेश में पार्टिसिपेट करता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट उत्तरायण इज यूनिकली सेलिब्रेटेड। इफ यू आर फ्रॉम ईस्टर्न रीजन, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ईस्टर्न रीजन में हम जिसको मकर संक्रांति बोलते हैं, ठीक है, झारखंड में मकर संक्रांति बोलते हैं, यूपी में आपका खिचड़ी बोलते हैं, ठीक है। अगर मैं यूपी की बात करूँ तो इसमें खिचड़ी बोलते हैं, झारखंड की बात करें तो मकर संक्रांति बोलते हैं, गुजरात की बात करें तो इसको उत्तरायण बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ आपका आंसर क्या हो जाने वाला है, गुजरात, क्योंकि गुजरात में इसको क्या बोलते हैं, उत्तरायण बोलते हैं। चलते हैं, ये काइट फ्लाइंग फेस्टिवल होता है बेसिकली। विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्लासिकल डांस फॉर्म, कौन सा है इसमें जो क्लासिकल डांस फॉर्म है। देर इज 8 क्लासिकल डांस फॉर्म, और अगर न्यूज़ की माने तो एक और क्लासिकल डांस ऐड किया गया है ऑफिशियली, अभी तो आप नहीं बोल सकते, लेकिन अगर आपका कॉम्पिटिशन एग्जाम आता है तो आप उसमें 8 क्लासिकल डांस को कंसिडर करेंगे, ठीक है। तो 8 क्लासिकल डांस में जो है वो क्या क्या आता है, आपका भरतनाट्यम आता है, भरतनाट्यम हो गया, आपका कुचिपुड़ी हो गया, मणिपुरी हो गया, ओडिसी हो गया, बहुत सारी है। तो आप बाकी जो है 4 वो कमेंट करेंगे, 4 मैंने बता दिया, भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, मणिपुरी और उड़ीसी, ये 4 मैंने बता दिया, 4 आप कमेंट डाउन करेंगे, ओके। इसमें से एक तो इस ऑप्शन में ही है। क्लासिकल डांस फॉर्म की बात की गई है तो ये है सतारिया। सतारिया कहां पे होता है, आसाम में जो है वो सतारिया डांस होता है, ठीक है। सो ऑप्शन सी विल बी योर आंसर, ठीक है। भरतनाट्यम की बात करूं तो ये तमिलनाडु में होता है, ठीक है। कुचिपुड़ी की बात करूं तो आंध्र प्रदेश में होता है, ओडिसी डांस उड़ीसा में होता है, ठीक है। मणिपुरी डांस मणिपुरी में होता है, और सतारिया आसाम में। रेस्ट 3 आपको बताना है और उसका स्टेट भी आपको कमेंट डाउन करता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। हु अमंग द फॉलोइंग मॉन्यूमेंट वॉज नॉट बिल्ट बाय शाहजहां, कौन सा मॉन्यूमेंट है जो कि शाहजहां द्वारा नहीं बनाया गया है, ठीक है। आइए देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ताजमहल। ताजमहल तो सबको पता है कि शाहजहां ने मुमताज की याद में बनवाया था। रेड फोर्ट, रेड फोर्ट जो है वो दिल्ली में ये शाहजहां ने बनवाया है, ठीक है। अगर मैं बात करूँ जामा मस्जिद, जामा मस्जिद भी दिल्ली में है और इन्होंने शाहजहां ने ही बनवाया है। बुलंद दरवाजा, बुलंद दरवाजा एक्चुअली फतेहपुर सिकरी में बनाया गया था, और ये अकबर ने बनवाया था। ये अकबर ने क्यों बनवाया था, गुजरात के ऊपर विक्ट्री पे, गुजरात में जब ये हुआ था, फाइट हुई थी, तो गुजरात के विक्ट्री के ऊपर इन्होंने बुलंद दरवाजा फतेहपुर सिकरी में बनाया था। सो दिस इज नॉट बिल्ड बाय शाहजहां, तो आपका आंसर हो जाएगा बुलंद दरवाजा। लुक, आर्ट एंड आर्किटेक्चर से रिलेटेड क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो आपको ये सारी चीज़ें पढ़नी है, ठीक है। जैसे आपको क्या क्या पढ़ लेना है, आपको सारे आर्ट एंड आर्किटेक्चर पढ़ लेना है, ठीक है। इसके बाद आपको कुछ फेमस बुक्स पूछे जाते हैं, वो बुक्स पढ़ना है। उसके बाद आपको फेस्टिवल पढ़ना है, फिर आपको डांस फॉर्म पढ़ना है, ठीक है। ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है,
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में. हु अमंग दिस द फॉलोइंग डिजाइन द स्टैचू ऑफ यूनिटी. अब तो आप सबको ऑलमोस्ट पता ही होगा कि स्टैचू ऑफ यूनिटी किसने डिजाइन किया है, उसके डिटेल्स के बारे में आप सबको पता होगा, राइट. सो आते हैं यहाँ पे एडविन लुटियंस. वो एडविन लुटियंस जो है, एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर, इन दोनों ने मिल करके जो है न्यू दिल्ली का आर्किटेक्चर किया था. जैसे राष्ट्रपति भवन की बात करती हूँ और अगर मैं इंडिया गेट की बात करूँ तो ये सारे एडविन लुटियंस ने किया था. रामवी सुतार, आरवी सुतार है, इन्होंने स्टैचू ऑफ यूनिटी बनाया जो कि 182 मीटर टॉल है और ये आयरन मैन सरदार वल्लभ भाई पटेल को डिवोटेड है. ली कार्बूजियर की बात करूँ तो ली कार्बूजियर जो है वो फ्रांस से आए थे और इन्होंने चंडीगढ़ को डिजाइन किया. पंजाब और हरियाणा का जो कैपिटल है चंडीगढ़, इसको ली कार्बूजियर ने डिजाइन किया था. बीवी दोषी की बात करूँ तो बीवी देशों ने IIM इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैंगलोर मैनेजमेंट को डिजाइन किया था बैंगलोर में और उदयपुर में, क्योंकि ये खुद महाराष्ट्र से थे तो बैंगलोर और उदयपुर में डिजाइन किया था. सो आपका आंसर क्या हो जाने वाला है, रामवीर सुतार जो है वो आपका आंसर हो जाने वाला है स्टैचू ऑफ यूनिटी. अपार्ट फ्रॉम दैट, और क्या आप स्टैचू ऑफ यूनिटी के बारे में जानना चाहते हैं, जानते हैं इनफैक्ट, वो आप कमेंट डाउन करें. चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में. विच ट्राइब इज फेमस फॉर फोक डांस इन झारखंड. फोक डांस के लिए फेमस कौन है, कौन सा जनजाति. देखिए मुंडा जो है वो जाति है, जनजाति नहीं है. संथाल जो है वो जनजाति है. तो यहाँ पे क्वेश्चन देखिए जनजाति पूछा गया है, ठीक है. सो जनजाति यानी ट्राइबल की बात की गई, तो संथाल जनजाति जो है वो फोक डांस को परफॉर्म करता है, ठीक है. और ये बेसिकली इंडिया और बांग्लादेश का नेटिव है, इंडिया का है और बांग्लादेश का नेटिव है, ठीक है. और लार्जेस्ट ट्राइब है संथाल जो है, वो लार्जेस्ट ट्राइब है जो झारखंड में पाया जाता है, बिहार में पाया जाता है, असम में पाया जाता है, उड़ीसा में पाया जाता है, वेस्ट बंगाल में पाया जाता है. सो अगर मैं बात करती हूँ फोक डांस की, तो वो संथाल जो है वो ही परफॉर्म करते हैं झारखंड में, ठीक है. सो ऑप्शन बी विल बी योर आंसर. चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में. द पुष्कर फेयर इज हेल्ड इन. पुष्कर मेला जो है वो कहाँ पे लगता है. पुष्कर मेला जो होता है वो हर साल एनुअली लगता है, एनुअली आपका लगता है हर साल. कहाँ पे लगता है, अजमेर में लगता है, ठीक है. 5 दिन का मेला होता है, 5 डेज का. ये आपका कार्तिक एकादशी से स्टार्ट होता है और कार्तिक पूर्णिमा में खत्म हो जाता है, ठीक है. ये एक कल्चरल फेस्टिवल है जहाँ पे डांस म्यूजिक ये सारी चीज़ें परफॉर्म की जाती है. सो बेसिकली आपका पुष्कर फेयर क्या हो जाएगा, अजमेर राजस्थान में आता है. चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में. इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी इज द बड़ा इमामबाड़ा लोकेटेड. सो बड़ा इमामबाड़ा कहाँ पे है. बड़ा इमामबाड़ा जिसको असाफी इमामबाड़ा भी कहते हैं, ये कहाँ पे है वो आपको बताना है. ये है आपका लखनऊ में. ऑप्शन बी विल बी योर आंसर, ओके. सो बड़ा इमामबाड़ा लखनऊ में है और ये किसने बनाया था, अवध के नवाब ने बनवाया था. अवध के नवाब ने बनवाया था जिसका नाम है असफ उद दौला, ठीक है. और ये मुगल आर्किटेक्चर स्टाइल है, इसमें मॉस्क्यू भी है और इसमें भूल भुलैया भी है. चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में. इन जम्मू एंड कश्मीर द म्यूजिक इन इन्फ्लुएंस्ड बाय. जम्मू एंड कश्मीर में जो म्यूजिक है वो किसके द्वारा इन्फ्लुएंस्ड था, सुफियाना कलाम के द्वारा, कूद कलाम के द्वारा या फिर सेंट कलाम के द्वारा. सो जम्मू एंड कश्मीर में की बात करूँ तो अगर म्यूजिक है वो इन्फ्लुएंस हुआ था सुफियाना कलाम के द्वारा, ठीक है. सुफियाना कलाम जो है उसके द्वारा किया गया था. अब अगर मैं बात करती हूँ कि सुफियाना कलाम जो है उनके द्वारा ये किया गया था और ये 15th सेंचुरी में प्रोपेगेट किया गया था, ठीक है. और ये जो डांस है वो बेस्ड है हफीज नगमा डांस पे, ओके. चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में. हु बिल्ट द फेमस मोती मस्जिद इन रेड फोर्ट. मोती मस्जिद रेड फोर्ट में किसने बनवाया था, ये बनवाया था शाहजहां ने. रेड फोर्ट मोती मस्जिद, ठीक है. कहाँ किसने बनवाया था, सांझा. अकबर की बात करें तो अकबर ने अभी बताया मैंने बुलंद दरवाजा बनवाया था फतेहपुर सिकरी में. शेर शाह सूरी ने जीटी रोड बनवाया था. जहांगीर के टाइम पे पेंटिंग बहुत फेमस हुआ था और अकबर का टॉम्ब बनवाया था, ठीक है. और शाहजहां ने क्या बनवाया, शाहजहां ने ये मोती मस्जिद रेड फोर्ट बनवाया था. शाहजहां के टाइम में आर्किटेक्चर बहुत फेमस हुआ था, बहुत सारी चीज़ें शाहजहां ने बनवाई है, ठीक है. शाहजहां ने बहुत सारी चीज़ें बनवाई है, इसीलिए आपको एक बार शाहजहां के बारे में आप स्पेशली जाके पढ़ें प्लीज़. इसके बारे में आप स्पेशली जाके पढ़ें कि उन्होंने क्या क्या बनवाया था, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है. चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में. यहाँ से आपका लेवल 3 स्टार्ट हो जाता है. लेवल 1 हमने कंप्लीट कर लिया, लेवल 2 हमने कंप्लीट कर लिया, अब लेवल 3 करेंगे कंप्लीट, ठीक है. इन विच स्टेट सरहुल फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड. सरहुल फेस्टिवल जो है वो कहाँ पे फेस्टिवल जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है. गुजरात की बात करें तो गुजरात में नवरात्रि सेलिब्रेट किया जाता है. छत्तीसगढ़ की बात करें तो यहाँ पे आपका जो होता है कर्मा डांस होता है. बस्तर दशहरा, दशहरा जो होता है ना वो बस्तर दशहरा के नाम से इसमें सेलिब्रेट किया जाता है. असम में जो है वो बिहू सेलिब्रेट किया जाता है. झारखंड में सरहुल फेस्टिवल स्टार्ट किया जाता है, फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है झारखंड में सरहुल फेस्टिवल जो होता है. और ये बेसिकली बताता है ट्रीज की पूजा करना, क्योंकि झारखंड में बेसिकली फॉरेस्ट ज़्यादा है तो उन ट्रीज की पूजा करना सरहुल फेस्टिवल में बताया जाता है.
जाता है. ओके, सो आंसर विल बी ऑप्शन डी. चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में. द फोक डांस जाट जाटिन इज रिलेटेड टू विच स्टेट? उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल और झारखंड. अगर मैं जाट जाटिन की बात करूँ तो ये जो है वो रिलेटेड है झारखंड से. किससे रिलेटेड है? बिहार से. सॉरी, झारखंड नहीं, बिहार होगा. बिहार से रिलेटेड है जाट जाटिन फेस्टिवल. ये बेसिकली नॉर्थ बिहार में ज्यादा होता है, मिथिला रीजन के पास और कोशी के पास. ठीक है, डांस परफॉर्म्ड बाय, ये जो डांस होता है जाट जाटिन, वो एक मैन और वुमेन पेयर में डांस करते हैं ड्यूरिंग द मॉनसून. चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में. व्हाट इज द सिंगिंग टाइम ऑफ राग भैरव? राग भैरव जो है वो किस टाइम में गाया जाता है? नून में, नाइट में, इवनिंग में या मॉर्निंग टाइम में? राग भैरव की बात करें तो ये मॉर्निंग टाइम में, सुबह सुबह गाया जाता है. ठीक है, इंडियन क्लासिकल राग. इसके अलावा जो आपका मलकून होता है, कौन सा होता है? मलकून होता है और बिहाग होता है. ठीक है, ये दोनों जो होता है वो मिडनाइट में परफॉर्म किया जाता है. चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में. आदि शंकराचार्य एस्टेब्लिश्ड फोर मठ, चार मठ इन्होंने सिचुएट किए थे और वो कहाँ कहाँ हैं ये आपको बताना है और कौन कौन से हैं. ठीक है, सो बेसिकली क्या है, ज्योतिर्मठ इन्होंने स्टैब्लिश किया था. आदि शंकराचार्य स्टैब्लिश फोर मठ, चार मठों की स्थापना की. मठ निम्न में से किस स्थान पर है? तो सबसे पहला आपका है नॉर्थ में ज्योतिर्मठ है, ईस्ट में आपका पुरी में है, साउथ में आपका श्रृंगेरी में है और वेस्ट में आपका द्वारका में है. ठीक है, तो आप देख लीजिए द्वारका जहाँ पे ज्योतिर्मठ भी हो. ठीक है, ज्योतिर्मठ हो गया, द्वारका हो गया, पुरी हो गया और श्रृंगेरी हो गया. ये चार प्लेस पर आपका शंकराचार्य का चार मठ है. सो आंसर विल बी ऑप्शन ए, ज्योतिर्मठ, द्वारका, पुरी एंड श्रृंगेरी. चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में. कमाईचा इज अ टाइप ऑफ, कमाईचा जो है वो क्या है? कमाईचा इज अ टाइप ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट. ठीक है, जो कि राजस्थान में प्ले किया जाता है और ये बेसिकली वुड से बना हुआ होता है. सो इट इज अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जो कि वुड से बना हुआ था, संगीत वाद्य यंत्र. चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में. व्हाट इज द ट्रेडिशनल बैम्बू डांस ऑफ मिजोरम? मिजोरम का जो बैम्बू डांस है उसको क्या बोला जाता है? ये जो बैम्बू डांस है ये सबसे ओल्डेस्ट है, जिसको बोला जाता है चेराव डांस. क्या बोला जाता है? चेराव डांस. आंसर इज ऑप्शन सी. चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में. विच ऑफ द फॉलोइंग फोक डांस बिलोंग्स टू उड़ीसा? उड़ीसा से रिलेटेड जो है फोक डांस वो कहाँ है? देखिए, लावनी आपका महाराष्ट्र में है. ठीक है, लूर डांस जो है वो हरियाणा का है, अकीरी जो है वो एमपी का है और चैती घोड़ा जो है ये बेसिकली उड़ीसा का है. चैती घोड़ा जो है वो बताता है कि चैत में जो घोड़ा है, भगवान राम एक्चुअली क्या थे, जब वो वनवास जा रहे थे तो उन्होंने उड़ीसा में जो नदी है उसको पार किया था विद द हेल्प ऑफ एक मछुआरा जिनका नाम था केवट. केवट मछुआरा के हेल्प से इन्होंने जो है वो पार किया था और बाद में उन्होंने उस मछुआरे के हेल्प से पार किया तो उन्होंने एक घोड़ा गिफ्ट में दिया था जिसका मूर्ति अभी भी वहाँ विराजमान है. तो वही चैती घोड़ा फेस्टिवल जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है इन द मेमोरी ऑफ लॉर्ड रामा एंड केवट. ओके, सो आंसर इज ऑप्शन डी. चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में. उस्ताद अमजद अली खान इज फेमस फॉर प्लेइंग व्हाट? दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. बहुत पूछा जाता है कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ अमजद अली खान का पूछा जाता है, इसमें कोई भी है जो इंपॉर्टेंट चीज है, तबला, सितार, वायलिन, वीणा, इन सब के बारे में आपको जानना चाहिए. ओके, सो तबला की बात करूं तो ये जाकिर हुसैन बजाते हैं. ठीक है, वायलिन की बात करूं तो ये एल सुब्रमण्यम बजाते हैं. सरोद की बात करें तो ये पर्शियन लैंग्वेज में मेलोडी के लिए यूज होता है. ठीक है, एंड अगर मैं बात करूं वीणा की तो ये असद अली खान जो है वो बजाते हैं. ठीक है, कौन बजाते हैं? वीणा, असद अली खान बजाते हैं. ठीक है, सरोद की बात करें तो सरोद जो है वो अमजद अली खान बजाते हैं. कौन बजाते हैं? अमजद अली खान. सो आंसर विल बी सरोद. ठीक है, रिपीट कर देती हूँ मैं. तबला इज बाय जाकिर हुसैन, वायलिन इज बाय एल सुब्रमण्यम, असद अली खान वीणा बजाते हैं और अमजद अली खान जो है वो सरोद बजाते हैं. तो आंसर इज ऑप्शन डी. चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में. द फर्स्ट डे ऑफ पोंगल इज कॉल्ड? देखिए, ये क्वेश्चन अलग अलग तरीके से पूछा जाता है. टोटल पोंगल जो होता है वो 4 डेज का फेस्टिवल होता है और ये हार्वेस्टिंग फेस्टिवल है, फसल के लिए जो है वो फेस्टिवल मनाया जाता है. तो इसका 4 डे होता है. ठीक है, फर्स्ट डे को बोला जाता है भोगी पोंगल, सेकंड को बोला जाता है सूर्य पोंगल जो कि सूर्य, लॉर्ड सूर्य को डिवोटेड है, थर्ड डे को बोला जाता है मटू पोंगल. मटू पोंगल जो होता है वो बेसिकली काउज को डिवोटेड होता है. कन्नम पोंगल जो है वो फोर्थ डे होता है और इस दिन जो फेस्टिवल है उसका एंड हो जाता है. तो आपसे फर्स्ट डे पूछा गया है तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा? भोगी पोंगल. सो भोगी पोंगल आपका आंसर हो जाएगा. चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में. सो दिस इज ऑल अबाउट द क्लास, सारे क्वेश्चन खत्म हो गए हैं. ठीक है, सो कीप रिवाइजिंग ऑल द थिंग्स वट एवर लेक्चर यू हैव सीन, सो कीप मेकिंग योर नोट्स एंड इसको रिवाइज करना मत भूलिएगा. ठीक है, दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड्स और आगे ये सीरीज जो है अभी 3-4 लेक्चर स्टैटिक जीके के ही होने वाले हैं. सो बी कंटिन्यू विद द क्लास. थैंक यू सो मच.